नमस्कार, सीसीएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बागेश्वर के दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं रोहिणी जोशी। नगर पालिका द्वारा लगाए गए यूजर चार्ज के विरोध में व्यापारी एकजुट हो गए हैं। व्यापारियों ने रविवार को एक बैठक करते हुए सामूहिक निर्णय लिया कि 4 जनवरी को यूजर चार्ज के विरोध में बाजार बंद की जाएगी। यहां बता दें कि युवक कांग्रेस ने भी इस मामले में पहले ही कड़ा रुख अपनाया है। युवक कांग्रेस ने भी 4 जनवरी को बाजार बंद का ऐलान किया है। पेश है सीसीएन न्यूज की रिपोर्ट। देखिए, यूजर चार्ज का व्यापार संघ बागेश्वर लगातार विरोध करते आ रही, गीता रावल के टाइम से शुरू हुआ है ये विरोध, आज भी जारी है। और गीता रावल जी के टाइम पे भी हमने उनसे अनुरोध किया था, चेयरमैन से, गीता रावल जी से, तो उन्होंने इसको रोक दिया था। उसके बाद हमारे नए चेयरमैन सुरेश खेतवाल जी आए, तो इन्होंने भी कोशिश की थी इसको लगाने की पहले, तो हमने इनसे भी अनुरोध किया, तो इन्होंने इसको अभी तक तो लागू नहीं किया था, लेकिन अब ये इसको लागू कर दिया है इन्होंने। तो हमने इनसे फिर विनय किया और अभी उनसे कहा कि ये जनहित में नहीं है, ये खाली व्यापारियों पर नहीं है, सारी जनता पर ये लागू है, तो इसको ना किया जाए, जनहित में इसको वापस ले लिया जाए। लेकिन चेयरमैन साहब ने हमारी बातों को ना मानते हुए इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके विरोध में व्यापार संघ ने एक कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी अपने व्यापार संघ की, जिसके अध्यक्ष श्री उमेश लाल साजी हैं, उनके नेतृत्व में एक कोर कमेटी की बैठक की गई थी। कोर कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कोर कमेटी के सदस्यों द्वारा कि 4 तारीख को जो है पूरा बागेश्वर बंद किया जाएगा। तो हम कल सभी व्यापारियों को सूचना देंगे कि 4 तारीख को बंद है यूजर चार्ज के विरोध में।